हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैकेट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी ये वाली जैकेट तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ज़रूर देखें। और देखिए, तो हमने जो बाजू के लिए दो पैटर्न छोड़े थे ना, तो अभी हम आधा ये वाला जो पैटर्न है ना, आधा इसको सिलाई लगा देंगे। डेढ़ पैटर्न में हम बाजू बनाएंगे। अगर आपके एक्सल साइज आता है तो आप दो पैटर्न में बाजू बनाएं, अगर आपके एम साइज आता है तो आप डेढ़ पैटर्न में बनाएं, आपकी बिल्कुल फिट आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, तो नॉर्मल सिलाई लगानी है, जैसे हम लोग सिलाई लगाते हैं सेम वैसे ही लगानी है। तो इतना सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब हम बाजू बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर कलर की ऊन से ही हम बना रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो 11 नंबर के हमने क्रोशिया लिए है। ठीक है, यहाँ पर दिखा दें, तो 11 नंबर की क्रोशिया से हम बाजू बनाएंगे। तो अगर आप लोग ने वाली जैकेट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेकआउट करें। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही सिल्वर कलर की ऊन को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखिए हर चेन में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 चेन ले ली हमने और जितनी भी चेन है हमारे पास हर चेन में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो 3 फंदे जो एक साथ निकाल देते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को हम हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। आगे क्या करना है फिर हम आपको आगे बताते हैं। कर लिए जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसमें डालकर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और ज्वाइन करने के बाद अब हम देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे कैसे घटाने हैं, सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली चेन में डालेंगे, इस तरीके से फंदे निकालेंगे। अभी इसको निकालेंगे नहीं क्रोशिया में से, दूसरे वाले में डालेंगे, इसमें भी निकाल दिए। अब ये सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा एक फंदा यहाँ पर घट गया है। अब हम देखिए इसके पास वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, हर चेन में बनाते जाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में सेम हमें ऐसे ही रिपीट करना है, जब ज्वाइन करेंगे ना उससे पहले हमें सेम इसी तरीके से रिपीट करना है। तो देखिए, हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बता दूं, 3 फंदे एक साथ निकालते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। यहाँ तक लाएंगे हम, लास्ट में सेम रिपीट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ तक ले आए हैं, लास्ट के 2 फंदे रह गए हमारे। तो देखिए, फर्स्ट इस वाले में डालेंगे और 3 फंदे हो गए हमारे पास। अब इसके पास वाले में फिर से डालेंगे हम और सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर घट गया। ठीक है, अब देखिए हमने जो 3 चेन ली थी उसमें डालकर इसको ज्वाइन कर देंगे और हमारी 2 रो कंप्लीट हो जाएंगी। तीसरी रो स्टार्ट होगी। देखिए, 2 रो कंप्लीट कर लिए। अब तीसरी रो में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 3 चेन लेंगे और सेम फिर से हम एक फंदा घटाएंगे यहाँ पर। तो फिर सेम इसी तरीके से घटाना है। देखिए, इसको भी क्रोशिया से नहीं निकालना है, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, एक फंदा हमारा घट गया है। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें। 3 फंदे एक साथ निकाल लें। तो देखिए, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में हमें सेम रिपीट करना है। तो इतना करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इतना हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम सेम इसी तरीके से फंदे घटाएंगे जैसे अभी हमने घटाए थे, सेम वैसे ही घटाने हैं। देखिए, ठीक है, अब सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो जब भी हमें फंदा घटाना होगा तो इसी तरीके से घटाएंगे। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। अब फिर देखिए, हम इस ऊन को कट कर देंगे। अब हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कि इसके बाद हम जो कलर लगाएंगे, देखिए जो हमने पैटर्न बनाया है, ठीक है, इसमें से हम कलर चूज़ करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने 5 कलर लगाए हैं, उसके बाद सिल्वर कलर लगाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले 5 कलर लगाएंगे, अलग अलग कलर, कोई भी पैटर्न आप ले लें उसके ही मैचिंग के आप कलर लगाएं। अब हम यहाँ तो देखिए, यहाँ पर हम पिंक कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। पिंक कलर हम पहले स्टार्टिंग में लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। तो ये वाली जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सिंपल है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और देखिए, हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ले लिए। अब देखिए, इसके पास वाली चेन में डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें, इस रो में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। ठीक है, पूरी रो में हमें सिंपल
हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, कोई फंदा नहीं घटाना है। इस तरीके से तीन फंदे एक साथ निकालते जाएंगे और इसको हम पूरा इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। कट कर दिया है, यहाँ पर हमने ब्लू कलर के उनको ज्वाइन किया है। तीन चेन ले लिए स्टार्टिंग में। अब सबसे पहले हम देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली रो में भी हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी रो, ब्लू कलर की पूरी रो हाफ डबल क्रोशिया से ही कंप्लीट करेंगे। और पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको आगे हम बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे कलर की ऊन ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम काउंट करें तो इस टाइम हमारे पास 50 चेन है, तो इसलिए हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा चेन है तो आप फंदा घटा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे और पूरा हम इस तरीके से बनाएंगे। नीचे की साइड कोनी से नीचे हम फंदे घटाएंगे, इसी तरीके से फंदे घटाएंगे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में घटाए थे, वैसे ही 4-5 फंदे घटाएंगे। और लास्ट में हमारे पास देखिए, लास्ट में जो हमारे पास फंदे रह जाएंगे वो 44 फंदे रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अब वाइट कलर की ऊन को हमने ज्वाइन किया है, इससे भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं पूरी रो में। तो अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं तो आप घटा लें। मेरे पास अभी 50 फंदे हैं इसलिए मैं नहीं घटा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पूरी रो को कम्प्लीट करेंगे और फिर आगे आपको देखिए। वाइट कलर के बाद आपने ब्लैक कलर लगाया है, स्टार्टिंग में 3 चेन ली हैं। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे और फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने जो बाजू बनाई है उसमें हाफ डबल क्रोशिया का ही वर्क किया है और डबल क्रोशिया का कोई भी वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस कलर को, फिर आगे आपको बताते हैं। सिंपल है, इसी तरीके से हमें पूरा बनाना है और ज्वाइन करना है। उसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक के बाद हमने रेड कलर लगा लिया। जैसे हमने इस पैटर्न में कलर यूज़ किए थे सेम वैसे ही कलर हमने यहाँ पर लगा दिए। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम सिल्वर कलर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सिल्वर कलर को हम ज्वाइन करेंगे सबसे पहले और स्टार्टिंग में 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया से और सेम ऐसे ही 4 रो कंप्लीट करेंगे सिल्वर कलर से, ठीक है। तो जो भी आपका मेन कलर है आप उससे बनाएं, ठीक है। तो इसकी हम 4 रो कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। 4 रो बनाने के बाद फिर हम कलरफुल ऊन लगाएंगे, एक एक रो बनाएंगे अलग अलग कलर से। उसके बाद हम आपको लास्ट में बॉर्डर कैसे बनाना है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बनाते जाएंगे। सिंपल है, हाफ डबल क्रोशिया का वर्क है। इतनी हमने बाजू बना ली है, अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो उस वो भी बहुत सिंपल है बनाना। चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो अभी हमारे पास 44 फंदे हैं, हमने 6 फंदे घटा दिए थे। तो आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा हो, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद अब हम फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। तो इस वाली रो में हमें हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे आपको दिखाते हैं। देखिए इतना हो गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। अब देखिए क्या करना है, एक फंदा हमें इस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक फंदे को हम इस तरीके से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाना है। और एक फंदे को हम नीचे के साइड से इस तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा बॉर्डर बनता आएगा। फिर हम एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे, फिर एक फंदे को हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है।
पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम यहाँ पर डालकर ज्वाइन करेंगे, जो हमने थ्री चेन ली थी इसमें डालकर ज्वाइन किया। अब फिर से हम थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद देखिए जो फंदा हमने ऊपर के साइड से बनाया था वो उसको वैसे ही बनाना है, और जो फंदा हमने नीचे से बनाया था इस तरीके से उसको हम वैसे ही बनाएंगे इस तरीके से लेकर, ठीक है। तो आपका बॉर्डर बनता आएगा। फिर देखिए जो फंदा हमने ऊपर के साइड से बनाया उसको सेम वैसे ही बनाना है, और फिर जो फंदा हमने नीचे के साइड से बनाया था सेम ऐसे ही हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, और इसके बाद टोटल हम 6 रो कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी दूसरी रो चल रही है और 4 रो हम और कंप्लीट कर लेंगे, तो 6 रो हमारी हो जाएंगी बॉर्डर पर। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। हमने पूरी बाजू कंप्लीट कर ली है, बॉर्डर भी बन गया हमारा, इस तरीके से बॉर्डर आपको दिखेगा। तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट ऊन है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये 3 धागे वाली ऊन है, तो इस तरीके से हमने बनाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब के सामने जो ऑल बना है आप जब उसको टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे कार्डिगन स्वेटर मिल जाएंगे, ज़रूर चेकआउट करें। और ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।